दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द एक्सलेंट एकेडमी में। लॉकडाउन अब अनलॉक हो चुका है, परंतु कॉलेज के स्टूडेंट अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी परीक्षाएं अभी होंगी या फिर नहीं होंगी, उन्हें प्रमोट किया जाएगा या फिर उनकी परीक्षाएं ली जाएंगी। इसके बीच स्टूडेंटों के मन में ये लगातार कन्फ्यूजन बना चला आ रहा है। इसके पहले उन्हें प्रमोट करने के आदेश भी आ चुके थे, परंतु इसमें जो है नया मोड़ तब आ गया जब UGC अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि केंद्र सरकार की एक संस्था है, ने ऐलान कर दिया कि सभी विश्वविद्यालयों के UG और PG के अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं सितंबर के अंत तक ली जाएंगी। इसकी जानकारी मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने ट्विटर हैंडल पर दी। इस ऐलान से यह स्पष्ट है कि जो भी विद्यार्थी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हैं उन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा, परंतु जो भी विद्यार्थी फाइनल ईयर में थे उनको परीक्षा अब देनी ही होगी। पहले ये परीक्षा जुलाई में होनी थी, परंतु अब ये परीक्षा सितंबर के अंत तक सभी विश्वविद्यालयों को करा लेनी होगी। ये परीक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोडों में विश्वविद्यालय अपने सुविधा के अनुसार इसको कराएंगे। खास बात यह भी है कि जिस भी फाइनल ईयर के विद्यार्थियों की परीक्षा किसी कारणवश छूट जाती है, ऐसे में उनकी परीक्षाएं विश्वविद्यालय विशेष परीक्षा के रूप में दोबारा भी लेगा। ऐसा सिर्फ उन विद्यार्थियों के साथ ही होगा, अर्थात उन विद्यार्थियों को ही मौका दिया जाएगा जो 2019 और 20 में फाइनल ईयर में परीक्षा दे रहे हैं। मतलब साफ है कि UGC कह रहा है कि अगर फाइनल ईयर में आपको पास होना है तो परीक्षा तो देनी ही होगी। आइए अब बात करते हैं कि मामला फंस कहाँ रहा है। बात UGC के पिछले दिशा निर्देशों की है जो उसने 29 अप्रैल को जारी किए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस जारी रखेंगे और जुलाई के अंत तक फाइनल ईयर के विद्यार्थियों की परीक्षा लिए जाएंगे। इस गाइडलाइन में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के विद्यार्थियों को प्रमोट करने की बात भी कही गई थी। शायद तब UGC को लग रहा होगा कि हो सकता है जुलाई तक कोरोना पर काबू पाया जा सकेगा, परंतु अब जुलाई में दूसरी गाइडलाइन आई है कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को भले ही प्रमोट कर दिया जाएगा, परंतु फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को परीक्षा देनी ही होगी। ये फैसला उस समय पर आया है जब राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों ने फाइनल ईयर के भी विद्यार्थियों को प्रमोट करने के निर्देश दे दिए हैं और अपने प्रदेशों में सभी प्रकार की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला दे दिया था। लेकिन अब एक बार फिर से UGC की नई गाइडलाइन आई है जिसमें फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को परीक्षा कराने की बात कही गई है और कन्फ्यूजन भी यहीं से हुआ है और विरोध भी। कई छात्र संगठनों और विद्यार्थियों का ये मत है कि ये समय नए सत्र के शुरुआत की होती है, इसमें प्रवेश परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, जबकि UGC पुरानी परीक्षाओं को कराने पर ध्यान दे रहा है। विद्यार्थियों के हित में उन्हें प्रमोट कर देना चाहिए। ऑफलाइन परीक्षा कराने से समस्या बढ़ सकती है, जबकि ऑनलाइन परीक्षा के लिए सबके पास सुविधा उपलब्ध हो, यह भी कुछ संभव नहीं है। अगर आप लोगों को ऐसे ही वीडियो और ऐसे ही मुद्दों पर वीडियो पसंद हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि समय समय पर आपके मनपसंद वीडियो इस पर आते रहेंगे और इसको शेयर भी करें।